हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं फ़िश करी बनाऊंगी कुमड़ा के साथ। तो असम में कुमड़ा बोला जाता है। मैं सब्ज़ी आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और दूसरे स्टेट में क्या बोलते हैं ये सब्ज़ी को मुझे पता नहीं, आप लोग ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुमड़ा लिया है, एक प्याज, दो टमाटर, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता, हरी मिर्ची लिया है फिश की ग्रेवी बनाने के लिए। इसको असम में कुमड़ा बोलते हैं गाइस, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैं अभी इसका छिलका छीलूँगी, छिलका छील के बारीकी से इसका छोटा छोटा पीस करूँगी कुमड़े का। तो मैंने हाफ ही कुमड़ा लिया है, पूरा लूँगी तो फिर ज़्यादा सब्जी हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ पीस ही कुमड़ा लिया है। और हाफ पीस मैंने रख दिया दूसरे दिन सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं अभी इसका छोटा छोटा कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने कुमड़ा का कटिंग कर लिया है छोटा छोटा, और मैं प्याज लहसुन भी अभी कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है प्याज लहसुन अदरक टमाटर मिर्ची कुमड़ा सब कुछ। और अदरक और लहसुन को मैं कूटूँगी, इनका कटिंग करूँगी तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा इतना ज़्यादा, जितना कूटने से अच्छा फ्लेवर आता है। ये फिश है, हम दो ही लोग हैं तो दो लोगों के लिए चार पीस काफ़ी है गाइस, एक टाइम ही खाना है। तो मैं फ़िश और चिकन ज़्यादा मैक्सिमम सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ फ़िश और चिकन की ग्रेवी में। बाकी कुछ और सब्ज़ी बनाती हूँ मैं रिफाइन ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डालूँगी, इनको थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसमें। चार पाँच मिनट हो गया तो अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। तो इनको अच्छे से फ्राई करना है, फिर अभी मैं कुमड़ा डाल दूंगी पूरा जितना मैंने कटिंग किया हुआ है, फिर इसको डाल के मैं हिलाऊंगी अभी थोड़े टाइम। तो गाइस, आज मैं सरसों डाल के नहीं बनाऊंगी फिश, तो इसलिए मैं हल्दी मिर्च जीरा धनिया सब कुछ डालूंगी मसाला। अभी मैं पहले नमक डाल रही हूँ, फिर हल्दी थोड़ा डालूंगी, फिर ये थोड़ा धनिया पाउडर डालूंगी, उसके बाद थोड़ा जीरा पाउडर, बस हो गया मसाला, और कुछ मसाला नहीं डालूंगी। हाँ, और थोड़ा मिर्ची डालूंगी सॉरी मैं मिर्ची बोलना भूल गई थी, मिर्ची पाउडर थोड़ा डालूंगी, मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पहले कटिंग करके डाला था। तो इनके साथ अच्छे से मैं फ्राई करूंगी, मीडियम स्टीम हमेशा रखना गाइस गैस का, क्योंकि स्टीम बढ़ाने से सब्जी जल जाती है। मैं हमेशा मीडियम स्टीम में ही रखती हूँ। अभी मैं ढक के रख दूंगी 5-6 मिनट के लिए। अभी 5-6 मिनट बाद में फिर देखती हूँ ढक्कन उठा के कि सब्ज़ी हमारा कितना तक पका है। हाँ, सब्ज़ी तो नरम होगी मैक्सिमम, अभी और थोड़ा ढक के रखूँगी तो और अच्छे से पक जाएगी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कच्चा लगेगा।
अभी मैं फिर से ढक के रखती हूँ और 3-4 मिनट के लिए। तो इस बार हमारी सब्ज़ी पक चुकी है गाइस अच्छे से, और इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अभी मैं फ़िश डाल दूँगी। फ़िश डालने के बाद मैं थोड़ा हिला के अभी मैं पानी डाल दूँगी सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी का थोड़ा ग्रेवी होना भी ज़रूरी है, नहीं तो चावल के साथ क्या खाएंगे, सब्ज़ी और फिश कैसे खाएंगे। थोड़ा थोड़ा ग्रेवी रहेगा तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं अभी थोड़े टाइम के लिए रख दूँगी, थोड़ा इसमें उबाल आने दूँगी। और अभी मैं गाइस थोड़ा उबाल आ गया, मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी। धनिया पत्ता डालने से, किसी भी सब्ज़ी में धनिया पत्ता यूज़ करने से थोड़ा उसका खुशबू अच्छा आता है। तो गाइस मेरा ग्रेवी रेडी हो गया मैक्सिमम। अभी मैं प्लेटिंग करूँगी, प्लेट में डालूँगी सब्ज़ी को। तो देख रहे हैं गाइस कुमड़े के साथ भी सब्ज़ी का कलर काफ़ी बढ़िया आया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छा आया है और ये टेस्ट भी काफ़ी लगता है। तो गाइस फिश करी हमारा एकदम रेडी हो गया है, बिल्कुल पक चुका है। अभी मैं गैस ऑफ करूँगी और प्लेट में फ़िश करी को डालूँगी। तो गाइस हमारा फ़िश करी कितना सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बाय।